मित्रगण, विभिन्न विद्यालय से आए शिक्षक शिक्षिका बहने और प्यारे बच्चों, बहुत भाषण हम देते नहीं है, कार्यक्रम में उपस्थित है अपने डीपीओ साहब भी, बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं आप लोग को। स्काउट गाइड के बारे में बहुत कहने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है आप लोग उसमें बहुत ही सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, जिसके कारण वह कार्यक्रम सफल होता है। तो सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे, लेट से आए, स्वभाव नहीं है, प्रयास करते हैं समय पर काम करने का, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आ जाने के कारण अपने पूर्व के विधायक, वर्तमान में उजियारपुर के माननीय सांसद, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का किसी काम से आगमन हो गया था और उन्होंने 2 महीना पहले वैशाली जिला और समस्तीपुर जिला के 70 विकलांग बच्चों, दिव्यांग जिनको बोलते हैं, विकलांग बोलते हैं, उनको गोद लिया था, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके दवा दारू की व्यवस्था के संदर्भ में। तो पिछले महीना 22 बच्चों को लेकर हम कलकत्ता गए थे, कुछ बच्चों का इलाज हुआ है, कुछ बच्चों का इलाज चलना है, उसी संदर्भ में बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं 70 में 22 को छोड़कर, उन लोग को दिल्ली लेकर जाना था। आज ही हुआ कि सूची फाइनल कीजिए, क्योंकि वह सूची पीएमओ को भी जाना है, इसी कारण से हमको आग्रह कर रहे थे गिरिराज जी से, अपने अवधेश जी गुरु जी से कि भाई हमको छोड़ देते, लेकिन माननीय मंत्री जी को मालूम हुआ कि नहीं, स्काउट गाइड का कार्यक्रम है, वो बोले कि नहीं जाइए और 1 घंटा में जल्दी से जल्दी फिर हमको वापस भी होना है, चूँकि माननीय मंत्री जी को लौटना है दिल्ली, इसके लिए पुनः आप लोग से क्षमा मांगते हुए, एकाद आग्रह करते हुए, चूँकि स्काउट के बच्चे कहने की जरूरत नहीं है, अनुशासन, आप लोग से एक बात जरूर कहेंगे, आप ही लोग से संभव है। अभी बिहार सरकार एक कार्यक्रम लाई है, जल जीवन हरियाली, जल पहले है, जीवन बीच में है, हरियाली बाद में है। मुख्यमंत्री जी का यह सोच कि अगर जल और हरियाली पहले और बाद वाला नहीं रहेगा तो जीवन बचना संभव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले गर्मी के में भूगर्भीय जल स्तर, पानी का जो जल स्तर होता है, नीचे चला गया था, जगह जगह सड़कें जाम हो रही थी, तो भूगर्भीय जल स्तर के नीचे जाना, मतलब पानी अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो फिर आने वाला जो भविष्य के जो अपने अगला जनरेशन, अगली पीढ़ी होगी, उसको पानी नहीं मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज स्थिति यहाँ तक आ गई कि बेटी को भी बचाने की आवश्यकता हो रही है। बहुत चीज, मतलब जिसे सरहद पर अगर है वीर जवान देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, हम लोग भी अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक तो जरूर मन में संकल्प, अगर अनाज भी बचाना पड़ेगा, वृक्ष भी लगाना पड़ेगा। आज समय ऐसा आ गया, स्काउट के बच्चों को, ऋतुराज जी को और जो टीम है स्काउट गाइड के, उनको आभार भी व्यक्त करेंगे कि जब कौनहारा जो अपना घाट है उसकी सफाई की जिम्मा हम लिए, हर शनिवार को उसके, चूंकि काफी गंदगी रहती थी, स्काउट के बच्चे जब जरूरत होता है या जब हम आग्रह करते हैं स्काउट के लोगों से, तो आप लोग भी उसमें पूरी सक्रियता से भाग लिए हैं, जिसके कारण आज वैशाली ही नहीं उत्तर बिहार के कई जिलों में चर्चा के केंद्र में आ गया है कि भाई अब कुन्हारा घाट की स्थिति पहले वाली नहीं रही, कुन्हारा घाट स्वच्छता की ओर बढ़ गया।
स्वच्छता भी जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो ये मत सोचिए कि पानी तो सब बचावे करेगा, तो एक हम ही अगर तिनका ज्यादा खर्चा कर देंगे तो कोई हर्जा नहीं। खर्चा भी अगर करना है तो उसको संरक्षित भी करना है, वृक्ष लगाना पड़ेगा, उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आपके परिवार के लोगों को अगर आप प्रेरित नहीं कीजिएगा तो वृक्ष नहीं लगेगा। तो बस यही आग्रह करते हुए पुनः आप लोग को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए जय हिंद। Let's go!